अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तार कार डिपार्टमेंट या किसी अथोराइज डिपार्टमेंट के पुलिस एहलकारों के साथ गए हैं जिना एवेन्यू के ऊपर जाके, जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर। फातिमा रेजिडेंसी है, साइमा रेजिडेंसी, साइमा रेजिडेंसी में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा माल भी बन रहा है, रूमी रेजिडेंसी है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नाम है जिसके उस नोटिस के अंदर, एक नोटिस आया है, नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि ये इलीगल हैं, और उसके अंदर वीडियोज है, उसके अंदर वो इंस्पेक्टर साहब और जो बॉस हैं उनके, बाहर आ जाओ, सलाम जो भी ऑथराइज पर्सन हैं, वो अपने पुलिस सलाम, ऑफिसर्स के साथ जा रहे हैं और सबको कह रहे हैं बाहर आ जाओ, ये इलीगल चलो है, भाई इसके बाहर अंदर आ मौजूद जाओ, मत हो। ये सारा का सारा सिलसिला चल रहा इलीगल है। प्रोजेक्ट है। मतलब कोई पूछे उनसे कि ढाई साल, बंद 3 साल, 4 साल से वहाँ पर लोग अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे करो होंगे, तो क्या तुम्हें वो लोग नज़र नहीं है? मेरा उन प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा उसके अंदर कोई, मेरी कोई चीज़ है ऐसी। लेकिन जनरल एक सोचने की बात तो है, 2.5 साल 3 साल तक लोग जमा कराते रहे, आपको कुछ नज़र नहीं आया, कुछ समझ नहीं बाहर आया। निकलो, इसी तरीके से आपने बहरिया टाउन के अंदर देखा, लोग जमा कराते रहे, कुछ होता नहीं रहा, आप देखते रहे, इश्तहार चलते रहे, जब सब कुछ हो गया तो आपने कहा चलो भाई आ जाओ। ये कौन सी तरीके? आज भी बहरिया टाउन के अंदर आपने देखा होगा SBCA, MDA, KDA, किसी की लीज नहीं है, कोई बैंक वाला लोन नहीं देता। आपने क्या चक्कर लगाया? अभी भी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई कल कल को क्या पता क्या हो जाएगा। आपने देख लिया ये जो नस्ला टावर के ऊपर सारी कहानी है, वो भी देख लिया। मैंने खुद अपनी जगह, अपनी एक मिसाल देता हूँ कि मैं जा रहा था जैना मार्केट के अंदर, उसके फुटपाथ के ऊपर मैंने देखा तकरीबन 100-150 के करीब बाइक्स खड़ी हुई, और एक फुटपाथ पे वहीं उसी जो छोटा सा गेट नुमा लोग की जगह बची हुई थी जहाँ से बाइकें घुसती थी, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले साहब खड़े हुए थे। मैं उसके बराबर से गया हूँ, उसने रास्ता दिया, मैंने बाइक जाके पार्क की, जब वापस आए तो बाइक उड़ गई, पता चला कि जी नॉन पार्किंग पर डाली गई है, आपने नो पार्किंग एरिया में डाली थी, और वहाँ पर मजीद 150 बाइकें खड़ी हुई थी मजीद उठाने के लिए। तो ये अजीब गोरख धंधा है कि कराची के लोगों को जागना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मतलब ये ऐसे थोड़ी होता है कि आप चुप करके सहते रहेंगे। वो कहते हैं कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़ ज़ुख़न, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। खासकर कराची के सारे मामला के अंदर, कराची को तबाह करने के लिए पार्क्स तबाह, ग्राउंड तबाह, प्ले ग्राउंड तबाह, सड़कें तबाह, मतलब किधर है प्रोफेशनलिज्म? तो मैं कराची के लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करें, कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करना पड़ेगा। चुप रहने से कुछ नहीं होगा, पिसते रहोगे तुम्हारी अगली नस्लें भी पिसती रहेंगी। इस तरीके से हर बंदे की अलग अलग पैसे डूबे हुए हैं, अगर पैसे के मद में बात की जाए, प्रोजेक्ट्स की मद में बात की जाए, लेकिन हर बंदा अपनी जगह अकेले अकेले रो रहा है। अकेले रोने से फ़ायदा नहीं होगा, के इलेक्ट्रिक को घर में बैठ के कुछ गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, गैस ना आने पर रोने से फ़ायदा नहीं होगा, निकलना होगा बाहर, कुछ ना कुछ तो करना होगा।